ऐसा मेरे को देखने को मिला। रीजन सुनीत क्या है, जात पात भी हावी है उतना, मोदी फैक्टर भी है, इसके अलावा राशन फैक्टर भी है, और एक फैक्टर ऐसा वाला है गरीब प्रदेश में रूबिका जी, जो आपको दहलना चाहिए, वो ये है कि वहाँ पर 10, 5, 25, 50 रुपया लेकर भी वोट देने के लिए गरीब जनता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं जब एक गरीब के हाथ में ना 50 रुपया लग जाता है। विवेक, किसी को लेके घूम रहे हैं। विवेक देखा है, विवेक किसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, हमने ममता बनर्जी को देखा था चुनावों के दौरान, जब उनको चोट आई थी और फिर वो प्लास्टर लेकर और व्हीलचेयर पर चलती थी। इस बार पूरे इलेक्शन कैंपेन को तेजस्वी यादव ने व्हीलचेयर पर, वो पीठ दर्द का कुछ था उनको, और व्हीलचेयर पर निकाला। क्या आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं असर डालती हैं चीजें चुनावों में? नहीं, देखिए कोई जैसे कि मिसेस गांधी का असैसिनेशन था जिसके बाद कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आई थी, एक सिंपथी फैक्टर था। तो इस तरह के जब बड़े हादसे होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, तो सिंपथी फैक्टर ज़रूर होता है। लेकिन पॉलिटिशियंस का, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाकर के ध्यान आज लगा रहे हैं, ठीक है आप ध्यान लगाइए, ये एक व्यक्तिगत कारण है, लेकिन पूरा इलेक्शन कवरेज चल रहा है और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है। और पुराने ज़माने में ये लोकल केबल नेटवर्क होते, तो जिस दिन इलेक्शन होता था तो कोई फिल्म स्टार अगर लड़ रहा है तो उसी की फिल्में चलाई जाएंगी ज़्यादा। सो दीज आर सटल वेज इन विच आप अपनी प्रेजेंस उस दिन भी मीडिया में लोगों के बीच में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सर, और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है ना, कोई हमला कर रहा है, सिर्फ फोटो दिखाई दे रहा है, उस फोटो में भी अगर इतना जो है शोर शराबा हो जाए, वो भी ध्यान में मौन में आदमी है, और उसके बाद भी अगर वो शोर और कोतूहल मचाने का मादा रखता है तो फिर तो जनता सोचेगी ना। अभी चार इस वक्त स्क्रीन पर हमें सहयोगी नजर आ रहे हैं, सपना वहां पर है, सुदेश दिखाई दे रही है, चंद्रमोहन दिखाई दे रहे हैं और अरुण दिखाई दे रहे हैं अब, और भगवंत मान इस बीच कुछ कह रहे हैं, जरा भगवंत मान को सुन लेते हैं। यही कह दिया कि पंजाब के लोग भारी गिनती चाहे अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 70% तो भी उपर, 75 तो भी उपर, 80 तो भी उपर परसेंटेज जी देखी गई है। सो पंजाब के लोग अवेयर लोग ने, चेतन लोग ने, ये जिहड़ा वोटर कार्ड है ये सानू शहीदां ने, पंजाबी में बोल रहे हैं, हिंदी में कहेंगे तो हम जरूर उनकी बात जरूर आपको सुनवाएंगे। जरा बलविंदर कंग, मुझे समझ में आती है, वो ये कहते हैं कि देखिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आके वोट करना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। और यही कोई वो पॉलिटिकली उनका भाषण नहीं था यहाँ पर, वो बयान नहीं, मैं था समझ गई, उन्होंने वो कह रहे थे उन्होंने, पंजाब की जो जनता है वो समझदार भी है, बिल्कुल। आइए बलविंदर कंग आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, सुदेश के साथ है। सुदेश जी, जी बिल्कुल, पंजाब की जनता का मूड भांपना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर थी, बीजेपी की लहर थी, उस वक्त चार सीटें दे दी, चार सांसद चुनकर संसद भेज दी, उसके बाद 2019 में एक सीट थी, लेकिन 2022 में बंपर, लेकिन उसके बाद सब संगरूर की सीट पर उपचुनाव हुआ तो वहां पर हार गई। मेरे साथ आनंदपुर साहिब सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मलविंदर सिंह कंग है, इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? देखिए इस बार पंजाब में जहाँ तक बात है, हम 13 सीटें जीतेंगे भगवंत मान जी की अगुवाई में। आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से इलेक्शन लड़ी है और लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, लोग खुश हैं, 90% लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है, किसानों को निर्विघ्न बिजली दी जा रही है और 43,000 नौकरियां दी हैं, कोई रिश्वत नहीं, टोल प्लाजे बंद हुए हैं, लीडरों की पेंशनें बंद हुई हैं, तमाम ऐसे काम हैं जिससे सरकार के कामों से लोग खुश हैं और दशकों बाद एक ईमानदार नेता पंजाब को मिला है। विकास की राजनीति की दुहाई तो बीजेपी भी दे रही है, उधर से पंथक राजनीति अकाली दल कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करवाया है, जनता किसके? प्रधानमंत्री जी ने अगर विकास किया होता बीजेपी ने, तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंगल सूत्र, शमशान कब्रिस्तान पे नहीं आते, तो लड़े प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात कर रहे आज कामों की, नौकरियों की बात करें, महंगाई की बात करें, नोटबंदी की बात करें और किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, लेकिन बीजेपी बिल्कुल नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जब मुंह खोलते हैं तो लोगों को लड़ाने में, नफरत फैलाने की बात करते हैं, इसलिए लोग इनकी सच्चाई समझ जान गए, अब ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी देश। सियासी पारे के साथ साथ वैसे भी भीषण गर्मी पड़ रही, क्या आपको लगता है कि आज मतदान के दिन उसका असर होगा? सुबह से लोग कतारों में लगे हुए थे, अब धीमे धीमे रफ्तार कम हो। हमने तो लोगों को आग्रह किया है कि गर्मी बेशक पड़ रही है लेकिन ये वोट का ठीक है। तो सतीश जी, अभी आपने सुना बलविंदर कंग, हमें तो ऐसा लगता है 542 सीटें सभी जीत रहे हैं, तो हजार होनी चाहिए।
542 सीटें हैं, अब एक सीट का तो फैसला पहले ही हो गया था सूरत की सीट का, जिसको सुनो वो जीत रहे हैं। देखिए मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ, जितना राजनीति को इन लोगों ने फार्स बना दिया ना, कोई सही गंभीर बात करता ही नहीं। ऐसे भी जमानत जब्त होने वाला भी नेता जो कहता है कि हम तो 2,00,000 वोट से जीत रहे, तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं आपको, अभी आपको पहले बारे में बोल रहा था कि जनता की भी हालत यही है कि भाई गरीब गरीब आदमी है, इतना रोड पर यार धरना खड़ा है, वो उसको 10-5 के लिए देख रहा है। आपको गंभीरता राजनीति में लानी पड़ेगी, ये सब फालतू की ये बकवास नहीं। बाकी आप जैसे मैं बिहार का भी ज्यादा फोकस कर रहा हूं, वहां पर क्या है, कॉम्बो पॉलिटिक्स चल रही है, ये जाति वो जाति, वो उसके साथ कितना है, उसमें मोदी फैक्टर कितना मिला, उसमें राशन फैक्टर कितना मिला, उतना नोट फैक्टर कितना मिला, ये कौन जाति किसके साथ मिले, इसी का चुनाव बिहार में हो रहा है। आप समझ लीजिए इस चीज को, तो मतलब फार्स हो गया। सिद्धांत के आधार पर कुछ लोग हैं वो सब स्वाहा हो गए। अच्छा सतीश जी, क्योंकि आप वहां बिहार में अभी कुछ टाइम रहे हैं, मुझे बताइए नीतीश बाबू को लेकर असमंजस में, क्योंकि नीतीश बाबू का अपना एक जिसे कहते हैं ना कंसोलिडेटेड वोट है, वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, नीतीश बाबू को लेकर बिहार की जनता में अभी कोई बदलाव आपको दिखा है? देखिए मैंने आपसे कहा ना, वहाँ आदमी गौन है, न नीतीश फैक्टर है न मोदी फैक्टर है, और मैं कहूँगा ना लालू फैक्टर है ना तेजस्वी फैक्टर है, चारों फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या मैं आपको बताता हूँ, असली फैक्टर ये कि इस क्षेत्र में ये वाला जाति वाला आदमी गड़बड़ करेगा, इसके साथ ये मिल जाओ उसके साथ वो मिल जाओ, ये मेल जोल पूरा उड़प छड़प चल रहा है, और बाकी उसमें जो तड़का लगा रहा है ये जो आपने चार नाम लिए वो है जी, मूल में कुछ नहीं है। और नीतीश जी ऐसे तो डाउन है, लेकिन हमको तो सूचना ये मिलती है कि उनके वोटिंग कॉम्बिनेशन में उनके कैंडिडेट के हिसाब से इतना बुरा नहीं करेंगे जितना समझा जा रहा है। देखिए एग्जैक्टली वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी। विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जरा मैं आपसे ना बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं इस बार महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश से तो खैर कहते हैं जो भी केंद्र में सरकार बनाता है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, 80 सीट है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या लगता है आप, क्योंकि बीजेपी ने ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई थी अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें। देखिए फ्रॉम नोवेयर एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी आपको माननी पड़ेगी। महाराष्ट्र के अंदर पिछले चरण में तो आपके पूरे मुंबई के चुनाव हुए थे जो शिवसेना का गढ़ था, आज भी चुनाव तो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों जगहों पर बीजेपी की सीटें कम आएंगी। इन्होंने जो शिवसेना को तोड़ा उस पॉलिटिक्स को वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इंडिया अलायंस का एक सपोर्टर हूँ, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखा है। यूपी के अंदर 10 सीटें बसपा को गई थी पिछली बार, इस बार बसपा फाइट कर ही नहीं रही है, ना कोई रैली ना कोई स्टेटमेंट ना कोई कंट्रोवर्सी ना कोई आर्गुमेंट उनकी तरफ से आ रहा है। ये 10 सीटें कहाँ जाएंगी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है। एब्सोल्युटली पिछली बार जोड़ तोड़ करके 66 का फिगर एनडीए ने दिखाया था जिसमें से 61 या 62 बीजेपी की थी 60 के करीब, और फिर यहाँ से वहां से करके इस बार वो समीकरण बदलेगा यूपी के अंदर। okay. देखेंगे अरुण का इसलिए रुक करेंगे क्योंकि आज की सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी वाली सीट है, वो वहां मौजूद है, मुस्कुराते हुए कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। अरुण मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि भीषण